बीते दिन यूपी के प्रयागराज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मदरसे के अंदर नकली नोट छापे जाने की खबर सामने आई। खबर जैसे ही सामने आई, मामले पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं जांच के तथ्यों के आधार पर चीजें सामने आने के बाद NSA या गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही अब आरोपियों के बैंक अकाउंट की डिटेल भी निकाली जा रही है। मामले में पुलिस ने मदरसे के प्रबंधक से पूछताछ की है और पूछताछ में पता लगा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लोग भी इस मदरसे में रहते थे। वही मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। देखिए, जो अभी सिविल लाइन में एक FIR हुई थी, जिसमें फेक इंडियन करेंसी नोट्स एक मदरसे से बरामद हुए थे और उसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज जो संबंधित IO है वो कोर्ट में हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए, और उसमें अभियुक्तों से पुलिस कस्टडी रिमांड के बाद विस्तृत इसमें पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी और जो बाकी तथ्य भी जुटाए गए हैं उसमें, ताकि उनसे और जानकारी की जा सके कि ये जो FICN जो मिली थी करेंसी, फेक करेंसी, उसके बारे में उनका सोर्स क्या था, कहाँ उन्होंने ये चीज़ें सीखी, इनके बारे में पुलिस जानकारी कर सके। इस संबंध में हम उनकी PCR लेंगे। देखिए, इस केस में क्योंकि अभी विवेचना प्रचलित है और भविष्य में जो भी इसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के तहत होनी है या NSA के, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो पुलिस है वो एक्सप्लोर कर रही है और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। उनके बैंक अकाउंट्स की भी डिटेल्स, इसमें जो इस मदरसे का प्रिंसिपल था उसके कुछ बैंक अकाउंट्स मिले हैं हमें और उनकी भी स्टेटमेंट्स जो है वो पुलिस वेरीफाई कर रही है और उसमें जो अकाउंट बैलेंस है उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं और उसको भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी उससे कोई भी अगर हमें इनपुट मिलता है तो उस पर भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए, क्योंकि इसमें मदरसे में ये गतिविधि चल रही थी और इसमें FIR हुई है तो संबंधित विभागों को पुलिस जो है इसमें पत्राचार कर रही है ताकि जो विस्तृत जांच उस लेवल पे हो सके, तो हम जो भी संबंधित विभाग हैं उनको पत्राचार कर रहे हैं ताकि वो अपने लेवल पे कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा जो इनका प्रबंधक था उससे कल पूछताछ हुई है और उसके द्वारा बताया गया है कि इस मदरसे में बाहर के, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों के भी लड़के जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, तो जो उड़ीसा से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जो प्रिंसिपल था और जो मेन मास्टरमाइंड था, वो दोनों उड़ीसा के भद्रक के रहने वाले थे, तो कौन और अन्य हैं जो बाहर के हैं और इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं वो भी विवेचना का विषय है और उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं और उसमें जैसे जैसे तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसी, देखिए, पुलिस सभी तथ्यों पर जाँच कर रही है और पहले भी अगर कोई आपराधिक घटना या पारित की गई होगी उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पे ही पुलिस जो आगे की कार्रवाई है वो सुनिश्चित करेगी। बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के एक मदरसे से ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जो हैरान कर देने वाला। ये मदरसा नकली नोट छापने का कारखाना बना हुआ था। प्रयागराज पुलिस ने मदरसे से संचालित होने वाले नकली नोट छापने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 1300 नकली नोट और इन्हें छापने के कई उपकरण बरामद किए गए। मदरसे में नकली नोट छापने के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ था। नकली नोट छापने का कारखाना बना ये मदरसा प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके में स्थित है। मदरसे का नाम जामिया हबीबिया है। यहाँ बड़ी तादाद में स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं। मदरसे के एक हिस्से में मस्जिद भी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, UP तक।